हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही काम आ सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही खास है जिनका मोबाइल ज़्यादातर दूसरों के हाथों में रहता है, चाहे वो उनके फादर के हाथ में हो या पत्नी के हाथ में या फिर किसी दोस्तों के हाथों में। ऐसे में हम अपने मोबाइल में अपनी सीक्रेट चीज़ें, पर्सनल चीज़ें रखी नहीं सकते, क्योंकि रखेंगे तो दूसरे हमारी पर्सनल चीज़ों को देख लेंगे। मगर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे किसी का बाप भी आपके मोबाइल को नहीं समझ पाएगा कि आपके मोबाइल में ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मगर दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी एप्लीकेशन है और कैसे वो काम करती है और कैसे उसकी ज़रूरी सेटिंग्स है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर। चलिए मैं मेरा प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो आपको टॉप में लिखना है ऑडियो मैनेजर, AUDIO ऑडियो मैनेजर। जैसे आप ऑडियो मैनेजर सर्च करेंगे तो तीन नंबर पे आ जाएगा ये हाइड फोटोज वीडियोज, तो आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आप इसका आइकन देख सकते हैं। दोस्तों, इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इसके डाउनलोडेड देख सकते हैं, 10 मिलियन डाउनलोडेड है और 4.5 की इसकी रेटिंग है। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है और बहुत ही आपके ये काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको कैसे आपको काम करना है। तो दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, सेम टू सेम ऑडियो मैनेजर की तरह। यही आपकी आपको यहाँ पे वॉल्यूम का वहाँ पे और की बटन भी मिलेगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि इसमें कुछ ऐसा वैसा भी आप भी है। तब दोस्तों, इसमें कैसे काम करना है, यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा ऑडियो मैनेजर, ये यहाँ पे मिलेगा आपको ऑडियो मैनेजर, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको इस ऑडियो मैनेजर पे जाना है और ऑडियो मैनेजर पे जाने के बाद थोड़ी देर इसको दबा के रखना। चलिए मैं यहाँ पे दबा के रख लेता हूँ और जैसे दबा के रखेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, पिन कोड और पासवर्ड, तो आपको पिन कोड इसमें सेट करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने पिन कोड है वो सेलेक्ट करने हैं। चलिए मैं यहाँ से कोई पिन कोड डाल देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0420, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो ये पूछ बोल रहा है कि अगर आप चाहें तो आप बाद में इनको चेंज भी कर सकते हैं, मगर हमें चेंज नहीं करना, ओके कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डिटेक्ट होगी, अगर आप ओके करना चाहें तो ओके कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अब दोस्तों, मैं इसकी कमाल दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन का। अब चलिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं और हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं एप्लीकेशन सर्च करता हूँ और ये रहा एप्लीकेशन ऑडियो मैनेजर, तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, कोई भी ओपन करेगा तो इस तरह का पेज ही ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे ऑडियो मैनेजर पे दबा के रखना है, जैसे दबा के रखेंगे तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पिन कोड आपने लगाए थे वो पिन कोड यहाँ पे लगाने, चले मैं लगा देता हूँ और ये ओपन हो जाएगा। अब इस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हाइड कर सकते हैं, पिक्चर है, वीडियो है या म्यूजिक है या कोई एप्लीकेशन है, या फिर देख सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आप अपनी फाइल को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो को हाइड करके। तो आपको जाना है वीडियो पे, जैसे वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट एल्बम का नाम आएगा, फोल्डर का, मगर मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर का रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में न्यू फोल्डर पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है प्लस के आइकन पे, और प्लस के आइकन पे जाने के बाद में आपको जाना है गैलरी में, और जैसे आप गैलरी को ओपन करेंगे तो आपके सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। अब अगर आप किसी फोल्डर से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे माई पिक्चर, ये जैसे ये मेरे फोल्डर नेम है, तो यहाँ से चलिए मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। सबसे ऊपर वाला वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे वीडियो, आपके जो भी वीडियो आप यहाँ पे हाइड करना चाहें वो हाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ से ऊपर वाला जो टॉप का वीडियो है वो उसको हाइड करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा हाइड सेलेक्टन, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये न्यू एल्बम फोल्डर का नाम था, ठीक है। अब यहाँ से ये वो इस एप्लीकेशन में आ चुका है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, पहले एक वीडियो था, यहाँ पे अब दो वीडियो आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आप फोटो को भी हाइड कर सकते हो, फोटो को भी इस एप्लीकेशन में ला सकते हो। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद में कोई फोल्डर है उस पर क्लिक कर देना है।
मैं फोटो पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ से आपको प्लस के आइकन पे जाना है और प्लस के आइकन पे जाने के बाद जल्दी से उस फोटो को ले लेना जिस फोटो को आपको हाइड करना। चलिए मैं इस फोटो को ले लेता हूँ और नीचे आपको वही हाइड का ऑप्शन मिलेगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फोटो का नाम मिलेगा, चलिए मैं फोटो में ही रहने देता हूँ और उसको ओके कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी वीडियो फोटो या किसी भी फाइल को आप हाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब ये इसमें एप्लीकेशन में तो आ चुकी है मगर आपकी गैलरी से अभी वो गैलरी में मौजूद है, तब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी गैलरी में। ठीक है दोस्तों, गैलरी में जाके जिस वीडियो को आपने हाइड किया था उस वीडियो पे जाना है। इस वीडियो को मैंने हाइड किया था तो इस वीडियो पे जाना है और इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये वीडियो है, इसको मैंने हाइड किया है। तो अब मेरे को यहाँ से इसको क्या करना है, इसको आपको डिलीट कर देना है क्योंकि ये वीडियो उसमें चला गया है, क्योंकि यहाँ पे होगा तो हर कोई देख सकता है मगर वहाँ से कोई भी नहीं देख पाएगा। इसी तरीके से जो फोटो आपने हाइड की थी उस फोटो को भी आपको, उस फोटो पे आपको क्लिक करना है और उस फोटो को भी आपको यहाँ से डिलीट कर देना। चलिए मैं इसको भी यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ये यहाँ से डिलीट हो चुके हैं यानी दुनिया की नज़र से आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं है, मगर वो सीक्रेट चीज़ है वो आपके पास ही है क्योंकि ऑडियो मैनेजर के बारे में किसी को भी नहीं मालूम होगा, आपको किसी को बताना भी नहीं है। चलिए मैं ऑडियो मैनेजर को ओपन करता हूँ और वही सेम प्रोसेस करना है आपको, यहाँ पे दबा के रखना है और आपने पास पिन कोड वो एंटर करने हैं, उसके बाद में आपका ओपन हो जाएगा। अब मैं दिखा देता हूँ ये पिक्चर है, तो ये जो पिक्चर हमने हाइड की थी वो यहीं पर है, गैलरी से हमने डिलीट कर दी है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको वीडियो में भी, वीडियो को भी देख सकते हैं, वीडियो में जाना है और यहाँ पे माई फोल्डर पे और यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों वीडियो मौजूद हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फोटो को, वीडियो को या किसी भी फाइल को आप हाइड कर सकते हैं, कोई भी नहीं समझ पाएगा कि आपने कुछ छुपा रखा है। आप किसी के लिए हाथों में बेफिक्र होकर अपना मोबाइल दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।